विदेशी बाजारों में तेजी के रुख से दिल्ली तेल तिलन बाजार में शुक्रवार को सरसों, सोयाबीन तेल तिलन और बिनौला तेल के भाव में सुधार आया। सामान्य कारोबार के बीच मूंगफली तेल तिलन, सोयाबीन तेल तिलन, बिनौला, सीपीओ और पामोलिव तेल के भाव अपरिवर्तित रहे। बाजार सूत्रों ने कहा है कि मलेशिया एक्सचेंज में शुक्रवार को लगभग 0.2% की तेजी थी, जबकि शिकागो एक्सचेंज फिलहाल 0.4% मजबूत है। देश की मंडियों में सोयाबीन की आवक निरंतर घट रही है और किसान सोयाबीन की बिक्री कम भाव पर करने से कतरा रहे हैं, जिससे प्लांट वालों को सौदे पूरी तरह से नहीं मिल पा रहे। सूत्रों का कहना है कि यही हाल सरसों का भी है, जिसका बहुत सीमित स्टॉक बचा है। उत्तर प्रदेश में सरसों की ही तरह का लहिया तिलहन की इन दिनों आवक होने वाली है। इसके उपज की मात्रा कम होती है और इसमें 20-25% की नमी होती है, लेकिन इसकी महक अच्छी नहीं होती, इसलिए इसके तेल के मिश्रण के लिए काफ़ी मात्रा में लगभग 70% पुराने सरसों की आवश्यकता होती है। लहिया के माध्यम से अभी सरसों की कमी को पूरा करना लगभग असंभव है। पके सरसों के मार्च के आरंभ में आने की संभावना है। सूत्रों का कहना है कि सोयाबीन की प्लांट डिलीवरी कम होने से मिल वाले सीधा मंडियों में सोयाबीन दाना की ऊंचे भाव पर खरीद कर रहे हैं, इस वजह से सोयाबीन तेल तिलहनों के भाव में सुधार है। उनका कहना है कि सरसों की उपलब्धता काफ़ी कम रह गई है। अभी हाल की बरसात सरसों के लिए काफ़ी अच्छा पैगाम है, लेकिन बरसात की वजह से पके सरसों के आने में थोड़ी देर भी हो सकती है। सूत्रों ने यह भी बताया है कि सोयाबीन के पेराई में कारोबारियों को फायदा नहीं है, प्लांट वालों को सोयाबीन के सौदे नहीं मिल रहे और उन्हें किसानों से महंगे में खरीदना पड़ रहा है। आपको बता दें कि सोयाबीन की लगभग 50% पेराई मिलें बंद हो चुकी हैं। जो पेराई मिलें चल रही हैं उन्हें तेल के कारोबार में प्रति किलो 5-6 रुपये का नुकसान सहना पड़ रहा है। यही हाल बिनौला का भी है। सामान्य कारोबार के बीच मूंगफली तेल तिलहनों के भाव अपरिवर्तित रहे। मलेशिया एक्सचेंज में तेजी होने के बावजूद भाव बेपड़ता होने से सीपीओ और पामोलिव तेल की कीमतें भी पूर्व स्तर पर बनी रही। बाकी तेल तिलहनों के भाव पूर्व स्तर पर बने रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।